हेलो गाइस, सो आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक वीडियो ऑन सीएस इंटर्नशिप इंटरव्यू सो बेसिकली जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में होता है कि यार इंटरव्यू हमसे क्या क्वेश्चंस पूछेगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाएँ तो बहुत ही नर्वसनेस रहती है सो so, मैं ने कुछ टॉपिक्स आपके लिए जॉट डाउन किए हैं सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाए एंड उसके बाद आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा सो वाई गिविंग इंटरव्यू इन फर्म्स आप फॉर्म्स में जाने के बाद हमें क्या क्या क्वेश्चन लाइटली पूछे जा सकते हैं तो फर्स्ट हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं सेकेंड डायरेक्टर्स के बारे में लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसके सारे प्रोविजन आप लोगों को पढ़ के जाने हैं नेक्स्ट कम्स द मीटिंग प्रोविजन फिर रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन दैट इज सेक्शन वन सेवेंटी फाइव उसके बाद लेटर पार्टी ट्रांजेक्शन्स एस बी आर एल की लिमिट्स रेडी रखना एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर एंड लेटेड प्रोविजन्स फिर आता है बोर्ड रिपोर्ट देन सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी एंड फिर सेक्शन वन एटी फोर दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट फिर आता है अगर हम कंपनीज के लिए जा रहे हैं कंपनीज के लिए हमें पता लगाना चाहिए अबाउट सी एस आर प्रोविजन फिर सेम डायरेक्टर रिलेटेड प्रोविजन लेटर पार्टी ट्रांजेक्शन्स प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड पेमेंट

इट्स लाइक सेबी एल की जो भी मैंडेटरी कमिटीज़ क्या क्या होती हैं वो तो अच्छे से ध्यान रखना एंड देन कंप्लाइंस कैलेंडर देन शेयर होल्डिंग पैटर्न का रेगुलेशन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी देन डिसक्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंजेस देन मटीरियालिटी गाइडलाइंस एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर के प्रोविजन दैट इज़ आई थिंक रेगुलेशन फोटी है नेक्स्ट कम्स द एडिशनल टॉपिक्स सपोज आप एक इंश्योरेंस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि मैंडेटरी कमिटी इंश्योरेंस कंपनीज को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी है नेक्स्ट थोड़े पामला के प्रोविजन दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसकी प्रोविजन का ध्यान रखना एंड अगर आप जो किसी कंपनी में जा रहे हो जो डेथ सिक्योरिटीज इशू करती है तो फिर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन उसको थोड़ा ध्यान में रख के जाना नेक्स्ट अभी कई कंपनीज में रिटर्न टेस्ट भी होता है तो रिटर्न टेस्ट में जर्नली क्या पूछ सकते हैं वो लोग तो फर्स्ट सेम प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर देन सीईओ को अपॉइंट करने का प्रोसेस नेक्स्ट कुछ फॉर्म्स सच है रन का क्या पर्पज़ है डीआईआर आई ट्वेल्व एम जी टी सेवन ए सी फोर ए डी टी वन एम जी टी फोरटीन एंड देन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ के फिर कई बार आप लोगों को पूछ लेंगे कि रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट करो तो उसको थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए देन uh, फिर रोल एंड फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो थोड़ा ध्यान से रखना फिर आता है आपका नॉन टेक्निकल राउंड के टॉपिक्स तो सबसे पहले स्टार्ट ऐसे होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ बेसिक क्वेश्चन फिर अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कोई वर्किंग एक्सपीरियंस तो उसके बारे में आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है नेक्स्ट अबाउट कि आपको कंपनी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका बिजनेस क्या है फिर आता है टेक्निकल राउंड जो हमने क्वेश्चन कवर किए हैं और नेक्स्ट होगा कि आ, वो इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि एक्सपेक्टेड स्टाइफन आपकी कितनी है तो जो हो मन में जैसा हो उतना बोल देना ज़्यादा मत सोचना एंड उसके बाद Uh, वो आपसे पूछेगा कि आप लेट सिटिंग के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं एंड फिर पूछेगा कि एनी अदर थिंग यू वांट टू नो सो बेसिकली कुछ भी क्लैरिटी uh, चाहिए होगा आप पूछ लेना तो इट्स बेटर टू आस्क क्योंकि इंटरव्यू को लगेगा कि आपको जेन्यनली uh, इंटरेस्ट है कंपनी में फिर जॉइनिंग से पहले इट्स बेटर कि थोड़े वेबसाइट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के फिमिलर होना चाहिए तो कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आई हैव गि विच आर एम सी ए एन सी एल टी सैबी बी एस सी सी डी एस एल एन एस सी आर बी आई एंड अगर कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक है लाइक आई आर डी ए तो ये करके जाना सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप थैंक यू